कब तक मौत को गले लगाते रहेंगे किसान? आखिर कब तक मोदी सरकार किसानों की मांग को करती रहेगी अनसुना? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। वक्त हो गया है खबरों का। ठिठुरती हुई ठंड में पिछले 21 दिनों से किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। तो वहीं अब तक किसान आंदोलन में शामिल हुए किसानों में से 10 किसानों ने अपनी जान गंवा दी है। इसके बाद भी मोदी सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी है। यही वजह है कि इस कड़कड़ाती ठंड में किसान मरने को मजबूर है। जो किसान अन्नदाता के रूप में जाना जाता था, आज उसी किसान को राजनेता टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहे हैं। वहीं अब किसान खेतों में खेती नहीं करके दिल्ली यूपी के तमाम बॉर्डर्स पर अपनी जान गंवाने को मजबूर है। लेकिन इसके बाद भी किसान के आंदोलन पर सभी राजनीति पार्टियां रोटियां सेकने का काम कर रही है। मोदी सरकार ही नहीं, विपक्षी पार्टी भी आग में घी डालने का काम बखूबी निभा रही है। दरअसल जो कांग्रेस पार्टी अभी किसानों की हमदर्द बनती नजर आ रही है, उसी कांग्रेस पार्टी ने एपीएमसी और एमएसपी को हटाने की बात अपने घोषणा पत्र में कह चुकी है। ठंड भरे मौसम में किसान अपनी जान की परवाह नहीं करके सरकार से बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब मोदी सरकार ने बिल वापस नहीं लेने की बात कह दी है, जिससे किसानों का गुस्सा और भी बढ़ते ही जा रहा है। जिसको देखते हुए किसानों ने दिल्ली यूपी की सीमा पर पड़ने वाले बॉर्डर पर फिर से धरना देना भी शुरू कर दिया है। क्योंकि हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि जो विपक्षी पार्टी किसानों के लिए हमदर्दी दिखा रही है, वो हमदर्दी नहीं बल्कि दिखावा है। एक मिनट, आप पहले तू वीडियो बनाता, आप बनाएंगे। एक मिनट, तुमने एक मिनट एक केला देके बोला ये केजरीवाल सरकार के लिए केला है। एक मिनट, सरकार एक केला देगी? सरकार एक नहीं देगी। फिर इतनी बड़ी जनता? नहीं नहीं, फिर एक मिनट, तू एक केला देके चीची पे खून लगा के शहीद बन गए या? नहीं, फिर तू यार तेरी तेरी जरूरत कैसी हुई है कहने की? एकदम दिगम। एक मिनट, नहीं नहीं, तू ये बताओ। ना ना, एक मिनट, हेलो बापू, चला दो। और देखो जी, ये आदमी एक केला देके बोलता है ये सरकार ने केजरीवाल ने भेजा है, ये केला भी उसको दे दे, आप पकड़ा देता, ठीक है ना? नहीं नहीं, इच्छा क्या तेरी? तू आगे, नहीं नहीं, तू आगे निकल जा, हम इच्छा निकल जा, आपकी इच्छा थी, निकल जा भाई, अपना नाम लेके करो, हम केजरीवाल के नाम से लेने देंगे यार कुछ भी। आपकी इच्छा नहीं यार, यहाँ यहाँ देने वाला नाम ना ले। नहीं 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 नहीं, चल बाबू, बगास 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 बग 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 बग। लेकिन सवाल यही होता है कि अगर मोदी सरकार किसानों की मांग पर बिल में संशोधन करने के लिए राजी है, तो किसानों के कहने पर बिल क्यों वापस नहीं ले रही है? क्या बिल वापस नहीं लेने के पीछे मोदी सरकार का असली मकसद भारतीय और विदेशी कॉर्पोरेट को बढ़ावा देना और देश की खेती किसानी को बर्बाद करना तो नहीं है? अगर ऐसा है तो मोदी सरकार ये जान ले कि ठिठुरती हुई ठंड में अपने हक के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे इन किसानों की हाय उनकी सत्ता के लिए बदनुमा दाग साबित होगी। तो ये थी हमारा खास खबर। इसी तरह के देश और दुनिया की खास खबरों के लिए जुड़े रहिए एचएम न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।